हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है कोपा थ्योरी के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स द कंप्यूटर विथ ओएस। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सभी को पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन है हमारे बायोस, सीमोस, डॉस या पीओस। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा बायोस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज बायोस? बायोस क्या है? बायोस क्या है? तो बायोस क्या है? बायोस एक फिल्मवेयर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बायोस फिल्मवेयर है। देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा हुआ है, उसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ नीरो स्टार्ट स्मार्ट। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है फॉर्मेट HDD, बर्न CD या DVD, फॉर्मेट पेन ड्राइव या फॉर्मेट CD DVD। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बर्न CD DVD। बर्न CD DVD। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगला है विच सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग। विच सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ऑप्शंस हैं सैटेलाइट्स, माइक्रोवेव्स, टेलीफोन लाइन्स या रेडियो वेव्स। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रेडियो वेव। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है विच वन इज यूज्ड टू ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस। ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस। ऑप्शंस है कीबोर्ड, की कोड, पासकोड या पासवर्ड। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पासकोड। ऑप्शन सी पासकोड। चलिए अगला क्वेश्चन है सिक्स नंबर क्वेश्चन है विच प्रोग्राम इज यूज्ड टू इनेबल द डिवाइस टू वर्क विथ ओएस। इसमें पूछा है कौन सा प्रोग्राम डिवाइस को अनुमति देता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कार्य करने के लिए। तो कौन सा है? ऑप्शन है एंटीवायरस, बी है डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बी सही हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर। अगला है सेवेंथ है व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉलर डिवीजन मेड इन हार्ड डिस्क। स्मॉलर डिवीजन मेड इन हार्ड डिस्क। ऑप्शंस है हेड, पार्टीशन, सेक्टर्स या टास्क। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पार्टीशन। देखिए इसमें आपको आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। 5 क्वेश्चन आपको हूबहू यही मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है विच की इज यूज टू ओपन सीमोस सेटअप यूटिलिटी। सीमोस सेटअप यूटिलिटी। तो ऑप्शन से आल्ट, डेल, इंटर या टैब। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेल। ऑप्शन बी डेल। अगला है नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑन द हार्ड डिस्क। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन ये भी रिपीट हो चुका है कई बार। तो ऑप्शन है डिलीट, इरेज, फॉर्मेटिंग या अनस्टॉल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। अगला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ बायोस शैडो। इसका आंसर ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और ऑप्शन है इसके कॉपिंग रैम टू रोम, बी है कॉपिंग रोम टू रैम, सी है कॉपिंग HD टू रैम या डी है कॉपिंग रैम टू HD। देखिए है ना कंफ्यूजन वाला। ये क्या करता है? बायोस शैडो क्या करता है? रोम को रैम में कॉपी करता है। रोम को रैम में कॉपी करता है। आपको पता होना चाहिए कि रोम को क्या बोलते हैं। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, और रैम को क्या बोलते हैं? रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या है ये? कॉपिंग रोम टू रैम, रोम को रैम में कॉपी करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ हिरार्चिकली फाइल सिस्टम इन डॉस, हिरार्चिकली फाइल सिस्टम इन डॉस। ऑप्शन है ट्री स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है रूट स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर या फिर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूट स्ट्रक्चर, रूट स्ट्रक्चर। चलिए अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है विच डॉस कमांड इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी, विच डॉस कमांड इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी। ऑप्शन है आर डी, रिमूव, डेल या डिलीट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर डी, ऑप्शन ए आर डी। अगला है विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लाइनेक्स, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लाइनेक्स। ऑप्शन है ए डॉट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डबल डॉट। ये पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है विच कैरेक्टर इज यूज टू रीडायरेक्ट आउटपुट इनटू एन एक्साइटिंग फाइल इन लाइनेक्स, रीडायरेक्ट आउटपुट इनटू एन एक्साइटिंग फाइल इन लाइनेक्स। तो वो हो जाएगा डबल ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल और फोल्डर इन एमएस डॉस, लोकेशन, लोकेशन ऑफ फाइल्स और फोल्डर इन एमएस डॉस। ऑप्शन है डायर, पथ, सब डायरेक्टरी या ट्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पथ। हाउ द डायरेक्टरी अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड, आर कॉल्ड। ऑप्शन है डायर, पथ, सब डायरेक्टरी या ट्री। देखिए ये क्वेश्चन और ये पिछला क्वेश्चन दोनों सेम है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सब डायरेक्टरी। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सब डायरेक्टरी। अगला है विच फाइल नेम विल मैच द कमांड, ये कमांड है कौन सा मैच करेगा, डी आई आर। चार क्वेश्चन मार्क है, 1 2 3 एंड 4 और लास्ट में टी है। तो ये ऑप्शन है टाइम, देखिए लास्ट में टी है, इधर लास्ट में टी नहीं है और आगे के जो तीन है ये मैच नहीं कर रहा है। अगला है टी ई एक्स टी, लास्ट में टी तो है लेकिन इससे पहले चार वर्ड हमें इसमें भरने हैं, फिल करने हैं, तो इसमें तो तीन ही बचे। अगला इसमें तो पी है तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो लास्ट है, देखिए लास्ट में टी है और इससे पहले हमें चार वर्ड फिल करने हैं, तो टी ई एम पी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, temp.txt। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द यूज ऑफ cd कमांड इन डॉस, cd कमांड इन डॉस। ऑप्शन है क्रिएट अ डायरेक्टरी, चेंज द डिवाइस नेम, क्रिएट रूट डायरेक्टरी या चेंज द पथ ऑफ करंट डायरेक्टरी, चेंज द पथ ऑफ करंट डायरेक्टरी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सीडी कमांड का यूज क्या है डॉस में, तो उसका काम है, यूज है चेंज द पथ ऑफ करंट डायरेक्टरी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड इन फाइल नेम इन डॉस। ऑप्शन है 3 कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स, 6 कैरेक्टर्स या 8 कैरेक्टर्स। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 8 कैरेक्टर्स। 8 कैरेक्टर की मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का जो फाइल है, फाइल नेम होना चाहिए डॉस में। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है विच डॉस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल। which DOS command is used to create a text file? ऑप्शंस है लिस्ट, टाइप, कॉपीकॉन या डाइप. तो सी सही हो जाएगा, कॉपीकॉन. अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टरी सेपरेटेड इन लाइनक्स. डायरेक्टरी सेपरेटेड इन लाइनक्स. तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइफन. ऑप्शन ए हाइफन. अगला है विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यू इन लाइनक्स. रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यू इन लाइनक्स. तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. अगला है विच कैरेक्टर रिडायरेक्ट्स द आउटपुट ऑफ वन कमांड टू अनदर इन लाइनक्स. वन कमांड टू अनदर इन लाइनक्स. ऑप्शन है डॉट, पाइप, कॉलन या सेमीकॉलन. ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाइप. ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. अगला है विच लाइनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी. विच लाइनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी. ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा. देखिए ये क्वेश्चन है, ये मैंने जो अभी 25 क्वेश्चन कराए हैं इन्हीं में से एक क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है. तो क्वेश्चन है हाउ द डायरेक्टरी अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड. हाउ द डायरेक्टरी अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड. ऑप्शंस है डायर, पथ, सब डायरेक्टरी एंड ट्री. चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.